सबसे पहले तो आपको इसके अंदर पीडीएफ को लेके आना है। सर हम कहाँ से लाएंगे? अगर आपके पास नहीं है तो फिर तो आपको लेनी पड़ेगी सिस्टम में कॉपी करके पेन ड्राइव वगैरह से। हाँ मेरे पेन ड्राइव का कर दो सर। मैंने लैपटॉप को मंगाया है स्विफ्ट मार्केट में बच्चे हूँ। अभी ऑब्जेक्ट ओम तो आपने बना लोगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अब आपको एक सर्कल, सबसे पहले सर्कल की लेंथ कितनी है 48, मतलब रेडियस है सर मैं बदले उस सर्कल नहीं सर देखो एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ मैं, रैंडम रेक्टेंगल ले रहा हूँ आर सी। अब मैं इसको देखो ये ज्वाइन होगा तो हम इसको कर ही सकते हैं स्ट्रेच, ज्वाइन होगा तो कैसे भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक्सप्लोड कर दूं अब स्ट्रेच करूंगा तो आपको देखो कि ऑब्जेक्ट जो जो स्ट्रेच करूंगा आपको ये ना क्रॉस वाला सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो आप एंटर करो। जैसे हमने वो गेट बनाया था ना सर, उसके हाँ हाँ ऊपर वो ऐसे ट्रायंगल था, हाँ जब हमने साइड वाली लाइन्स को ऐसे करना चाहा ना पूरी पूरी नीचे शिफ्ट हो रही, वो स्ट्रेच नहीं हो रही। जब हम स्ट्रेच कमांड से कर रहे थे तो मतलब सिस्टम जो हम दे रहे हैं ना मेजरमेंट, नीचे तो आ जाती है लेकिन वो नीचे से एक्सटेंड हो जाती और ज्यादा बढ़ जाती है। है। हाँ नीचे चली जाती है मूवमेंट, सिर्फ एक तरह से वो शिफ्ट हो रही थी ना कि स्ट्रेच। सर आप ऐसे क्यों करके कर रहे थे या ऐसे सिलेक्ट बना के कर रहे थे? क्लिक करके नहीं करना। ठीक हाँ इसमें ऑप्शन देता है नहीं है दिया नहीं रहा। स्ट्रेच में आ रहा है ना सिलेक्ट क्रॉसिंग विंडो या क्रॉसिंग पॉलीगॉन दोनों से अच्छे करना होता है, क्रॉस सिलेक्ट लेना होता है। क्लिक ठीक करके करोगे तो फिर वो ऑब्जेक्ट को सेव मतलब शिफ्ट करेगा। है हाँ वही तो बराबर दिए। ठीक है अब एक होती है हमारे पास, मान लो मेरे पास ये लाइन है ना इसका मेजरमेंट मेरे को पता नहीं है, रैंडम लाइन। एक कमांड होती है LEN लेंथन, लेंथन कमांड होती एंटर करोगे। एंटर करने के ना चार ऑप्शंस आते हैं, पहला आता है डेल्टा, दूसरा आता है परसेंट, तीसरा आता है टोटल, चौथा आता है डायनामिक। डेल्टा में क्या होता है कि ये लाइन अगर आप लोग फिक्स मेजरमेंट की लाइन है उसको लाइन को बढ़ाना है, वैसे बढ़ाने के लिए हम एक्सटेंड कमांड का भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रेच से भी कर सकते हैं। ठीक है स्ट्रेच से तो हम इसको ऑब्जेक्ट को स्ट्रेचिंग करेंगे, जैसे सिंगल ऑब्जेक्ट हो तो स्ट्रेच दोनों साइड काम आ जाएगा। लेंथन कमांड में आप इसके अंदर कितना एड करना है, मेरे को मान लो इसके अंदर 20 इंच और एड करना है, फिर एंटर किया, फिर आपको ये पूछा सेलेक्ट एंड चेंज, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू चेंज, क्लिक करते ही एड जितने ऐड करोगे उतने ऐड कर देगा ये। हाँ अच्छा 20 इंच ही करेगा। अच्छा हाँ जितना 20 इंच करा 20 इंच ही बढ़ेगा, दोनों साइड कर सकते हैं। अगर इधर की तो इधर बढ़ जाएगा, मतलब मिड से इधर होना चाहिए, मिड के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ठीक है अब ये तो होता है डेल्टा के अंदर। फिर सेकेंड इसके अंदर ऑप्शन आएगा आपके LEN परसेंट, इस लाइन को ओवरऑल इसने ना 100% माना है, ओवरऑल इसका आधा करना है तो इसे कम परसेंट देंगे, और इससे ज्यादा करना है तो इसको डबल परसेंट देंगे, 200 करना पड़ेगा तो बढ़ाना है। ठीक है मैं अभी मान लो 50 करा तो ये इसका आधा होगा, जीरो तो कभी होगा ही नहीं, वो माइनस ही करो माइनस ही करता जाएगा हर बार। चलिए हाँ इंक्रीज और अगर बढ़ाना है इसका मतलब आपको जोड़ना है तो फिर आपको 100% से तो फिक्स ओवर 100% है ही है। अब 120 करोड़ बढ़ा देगा, 100 से ज्यादा हुआ 20% बढ़ाएगा उस लाइन का, 120 करा ये करना अब है बढ़ा रहा है, देखो इसी लाइन का 20% ऐड करेगा, मेजरमेंट नहीं करेगा बस लाइन का 20% ऐड करेगा। फिर
ऑब्जेक्ट ये सिर्फ लेंथ एंड कमांड ओनली लाइन में ही काम करेगा, लाइन और पॉली लाइन के अंदर, सो ठीक है। नोको फिर लेंथ एंड के अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको टोटल। अब लाइन कितनी भी बड़ी क्यों आपने रैंडम खींची हुई, फिक्स आपको एक मेजरमेंट की लाइन ही चाहिए। कि मान लो मेरे को लाइन 50 इंच की ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे 50 लिख दिया, फिर इसको सेट करो, ये ऑलरेडी 50 में रह गई, बाकी हट गई, ठीक है। ये टोटल के अंदर आता है। फिर एक ऑप्शन इसके अंदर आता है, वो आता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब किस वाले पॉइंट से आपको इसको बढ़ाना है, खींचना है, स्ट्रेच करना, कोई चीज है, या स्ट्रेट पॉइंट से खींचो करो, या इसी तरह इसमें हम लिख भी सकता हूं मैं। अगर आप बढ़ानी है मेरे को 30 इंच और बढ़ानी है इसके अंदर, तो मैंने 30 लिखा यहाँ पर और एंटर कर दिया, तो इसने 30 इंच ऐड कर दिया उस पॉइंट से, ठीक है। मुझे गलत वो उसने यहाँ पे छोड़ दिया 30 इंच ऐड करके, अपना भाग लिया कमांड से बाहर आ गई। पकड़ के भी ले सकता हूँ। हाँ पकड़ के भी ले जा सकते हैं। एक्सटेंड के अंदर सिर्फ आपके सामने एक ऑप्शन होना चाहिए, तभी वो एक्सटेंड करेगा। इसमें हाँ इसमें आप जो पॉइंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग चल देगा। अब देखिए हमने डिवाइड और मेजर कमांड को जो डिवाइडेशन से पढ़ा, अब डिवाइड और मेजर में जो पॉइंट लगते हैं ना, वो अपने खुद के अकॉर्डिंग पॉइंट क्रिएट करके लगा सकते हैं। बता रहा हूं दोनों में भी पॉइंट खुद के ऐड कर सकता है, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसको आपको ब्लॉक कन्वर्ट करना पड़ेगा, ब्लॉक। ये ऐसे बना रहा है तो बना रहा हूँ पीटी ये है वर्किंग थ्री अगर वो वर्किंग कर नहीं कॉम्पेट कर सकते हो पीटी वर्किंग पास में शामिल है तो एक्सपर्ट कॉम्पोनेंट होता है तो बोल देंगे ओके तो हम क्या करवा पाएंगे उसके लिए ना इनका स्टाइल नहीं मैंने बताया है पावर ऑफ कंट्रोल है सर ये बच्चे लोग बुलाते हैं क्या बोलते हैं कुर्सी नहीं बुलाया अब आप बी प्रेस करो ब्लॉक, ओनली बी प्रेस करेंगे तो ब्लॉक कमांड मिलेगा। अब सबसे पहले ऊपर एक टाइटल आता है, उसमें आपको नाम देना पड़ता है ब्लॉक को, कोई भी नाम दे सकते हो आप, जो भी चाहिए। मैंने मान लो पॉइंट ही नाम दे दिया, सही ब्लॉक का नाम पॉइंट दिया। अब स्पेसिफाई पिक पॉइंट, मतलब ये जहां मैं इसका मैं पिक पॉइंट दूंगा उसी पॉइंट की इंसर्ट होगा, वापस आएगा, क्या है वो मतलब वापस ही ब्लॉक पॉइंट के अकॉर्डिंग आएगा, इंसर्ट मतलब लाने के लिए वापस इंपोर्ट कर सकते ब्लॉक को। बहुत मान लो मैं इस पॉइंट से दे रहा हूं, अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस पूरे को सेलेक्ट करो, एंटर कर देना है और ओके करते ही आपका ब्लॉक बन गया। ये ब्लॉक क्या है? हाँ पॉइंट नाम से। अब इसको डिलीट कर देता हूँ, ब्लॉक हमारा सेव है ना। अब मैं एक लाइन खींचता हूँ, 32 इंच की एक लाइन है मेरे पास। डिवाइड पता है, डिवाइड में भी सेम ऑप्शन आता है और मेजर में भी सेम ऑप्शन ही आएगा। मेजर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें जाएंगे ब्लॉक। अगर आप सीधे इसको डिवाइडेशन करना है मेजर से, तो आप लेंथ सेगमेंट डाल दो, और ब्लॉक से करना है तो फिर आपको ब्लॉक पे जाइए, ब्लॉक का नाम जो भी था वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, एंटर करके ये पूछता है अलाइन ब्लॉक विथ ऑब्जेक्ट, इसको यस करना है। अब इसमें लेंथ सेगमेंट्स देने हैं, मैंने दे दिया, मान लो कि मेरा हर एक 10 इंच के गैप में एक ब्लॉक इंसर्ट होना चाहिए, मतलब ये ऑब्जेक्ट आना चाहिए, एंटर। क्यों ये लाइन ही इतनी यहां से हो गई, अभी इससे आगे 10 इंच गैप नहीं है, ठीक है। इधर से काउंट करो, ये वाला छोड़ दिया इसका। तो अब ये जो डिस्टेंस है ना DI से मेजरमेंट कर सकते हो आप, ये इस पॉइंट से यहां तक पॉइंट है ना, ये 10 इंच का गैप है,
यहाँ तक हो रहा था कंप्लीट, अब यहाँ पर इसने छोड़ दिया। अगर 10 दिन आगे लाइन और बड़ी होती तो इस पर भी प्लेस करता। लैपटॉप हाँ कैलकुलेशन से करता ये। हाँ चलता लाइट तो मैंने इधर से ग्लास ग्लास ना करा था ना, इस कारण से इधर से चलता है। देखो मैंने क्या करा था, मैं एमई में गया था मेजर में। अगर मैं इधर से क्लिक करता, अब मैं नंबर ऑफ सेगमेंट मैंने मान लो 3 इंच पे प्लेस कर दिया, सॉरी 6 इंच पे कर देता। पहले ब्लॉक का नाम लिखूंगा, अब मैं 6 इंच कर दिया। अब इधर से ग्राउंड हो रहा, अब इधर से चल रहा है। ये सही जगह हाँ 6 इंच है यहां से यहां तक। देखो ये मतलब कि इस वाले से ग्राउंड करेगा, ये बेस पॉइंट। इंसेक्ट मैंने ये दिया था इस कार्ड से, इससे ग्राउंड। आज जब आपने ब्लॉग बनाया हाँ पॉइंट जो मैंने दिया ना ब्लॉक में, वही पॉइंट काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ इसने यहाँ तक छोड़ दिया। ये चीज होती है मेजर के अंदर। मेजर में हम लेंथ का फिक्स मेजरमेंट डाल सकते हैं, और डिवाइड में क्या होगा, वो पूरे लाइन को अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर। ये चीज मैं डिवाइड में भी कर ही सकता हूँ, उसमें ब्लॉक इंसर्ट होता है। डी आई पी डिवाइड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ब्लॉक, ब्लॉक का नाम जो भी था आप इसके अंदर लिख दियो। ये अब मैं इसमें लेंथ सेगमेंट नहीं, इसमें ये पार्ट सेगमेंट पास रहा, मतलब पार्ट कितने करने लाइन के, डिवाइड कितने में करना है। मान लो मैंने 7 में करना तो 7 पार्ट कर दिए, वो पॉइंट 6 ही लगेंगे, ये ध्यान रखना। पॉइंट वैसे भी डिवाइड करते 6 ही लगते हैं, 7 करता तो 6 ही लगते हैं, वही चीज और इनकी जगह हमें ब्लॉक करना लोग आ गया, वही चीज है। ठीक है एक्चुअली जो भी ये तो मैंने इसके ऊपर ब्लॉक को है ना यूज करा है। अब पर्टिकुलर हम इस ब्लॉक का ही यूज करना है, इसी ब्लॉक का यूज करना है, तो उसको लाने के लिए कमांड होती है डैश आई इंसर्ट कमांड, उस ब्लॉक को वापस लाने के लिए ना जो मैं हटा दिया था। उस गांव में बहुत सारे नोट्स हाँ लिखने नाम लिखने पड़ेगा आपको। से एग्जाम कुछ भी हो जाए हाँ इंसर्ट कमांड से कुछ भी हो जाएगा। इंसर्ट पे जाओगे फिर ब्लॉक अभी एक ही बना हुआ है इसके अंदर, तो वो नाम ऑटोमेटिक आपको रिकमेंड कर देगा खुद ही। अच्छा हाँ और खूब सारे होंगे तो भी वो करेगा लिखना पड़ेगा, जितने करता है मैक्सिमम बहुत सारे जितने का उतने कर लेगा। ये तो डेस आई से तो पर्टिकुलर नाम लिख करके हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओनली सिंगल आई प्रेस करेंगे तो उसमें जितने भी ब्लॉक होंगे उसके सभी आपको इमेजेस दिखेंगे, वो दिखेगी ड्रॉइंग, अच्छा वो भी बताता है ना। पहले तो आपको इंसर्ट बॉन्ड दे दो। अब आपको स्केल फैक्टर चेंज करना है, अभी ये बना हुआ है 3 इंच 6 इंच में। अगर मैं इसका स्केल फैक्टर चेंज करूं, मैं अभी इसका 2 कर दूं स्केल फैक्टर, तो ये 3 का डबल 6 हो जाएगा। वाई में मैंने 3 लेयर का जो भी उसका डबल हो जाएगा, 6 स्केल फैक्टर। हाँ डबल स्केल फैक्टर यूज करता ही। अभी मेरे को चेंज ही नहीं करना है तो एंटर कर देता हूँ, और एंगल भी 0 ही रखना है। ठीक है, अब मैं इसकी कितनी भी कॉपी कर लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक ही है, मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट में चेंज करता हूं तो सब में चेंज होगा। अच्छा हाँ मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो ये कमांड ऑटोमेटिक खुल जाएगी, उसका नाम है। हाँ ये आठ मिनट आए वो सब में हो तो जाएगा, मेरे को गलत हो रखे हैं इनको सही करोगे तो आप कैसे हो जाएंगे तो उसको आर्क को ब्लॉक बना के यूज कर दो। अब मैं जाऊंगा पॉइंट कमांड ऑटोमेटिक, कमांड भी है इसका नाम है बी एडिट। टॉप एडिट हाँ बी एडिट कमांड होती है ना, और इसके ऊपर डबल टैप करोगे तो भी ये कमांड ओपन हो जाएगी। हाँ ओके कर दो, अभी सारे इसका ब्लॉक एडिटर का ऑप्शन खुल गया ये। अब इसका कलर चेंज करना है, आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो, मान लो कि मेरे को ये डिजाइन को रिवर्स करना है। सेलेक्ट अच्छा ये रेखे का क्या हो गया, और दोनों चीज दोनों रख सकते हो। मैं यस कर दूंगा रिवर्स हो जाए डायरेक्शन। अब यहां से क्लोज ब्लॉक एडिटर सेव टू चेंज, ये उल्टी डायरेक्शन सब में हो गया एक साथ में, जो हमने ब्लॉग बनाया उसमें होगी चेंज होगी यहां से किसका उस ब्लॉक में होगी चेंज, इसमें नहीं होगी। अब वो ब्लॉक बना हुआ उसमें भी चेंज होगी, वो भी। ठीक है, बट ये जो मैंने ब्लॉक बना के अभी यूज करा ना, ये जो मैं करंट फाइल बनी हुई है खुली हुई है, ये
इसी के अंदर वर्क होगा। अगर मैं बाहर आ गया पूरा ऑटोकैड हटा दिया, क्लोज कर दिया, तो ब्लॉग और थोड़ी डिलीट हो जाएगा। हाँ, और एक ब्लॉग और बनता है, उसका नाम है डब्ल्यू ब्लॉग, वो आपका लाइफ टाइम सेव है। वो जब तक तो आप सिस्टम फॉर्मेट वगैरह नहीं करते तब तक वो रहेगा। स्टोर रहता है उसकी हाँ, स्टोरेज। वो सेव रहता है। ये तो हमारी कमांड थी एस आई, और एक कमांड है हमारी आई। आई कमांड का नाम है इंसर्ट। ये ऑप्शन खुलता है इंसर्ट के अंदर, ये पूरा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इधर से आपको उठा करके ऐसे प्लेस कर दो, उससे दोबारा ला के रख दो, छोड़ दो। जितने भी ब्लॉग आपके बने होंगे सब इसकी यहाँ पे दिखाई कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्लॉग से होता है, और इंसर्ट से इसका ऑप्शन खुल जाता है। अब इसमें भी आप कोऑर्डिनेट वगैरह भी दे सकते हो, इंसर्ट करो तब तो आप सीधा लेके आओ, बाद अपने यूज के अकॉर्डिंग जहां पे रखना है वहां इसको रख देते हैं। सर एक बार पोर्टेबल भी करते स्केल में हम एक्सेप्ट प्रोग्राम चेंज करेंगे। और हाँ बता दो, है ना, लिख दो बिल्कुल। उसमें। अब ऊपर देखना पड़ेगा, काफी कुछ कमांड ऊपर यूज कर ली थी मैंने। भी एडिट ले आऊंगा, ब्लॉग भी होगा शायद यहाँ पे। नेचर सुपर था सर, नेचर डिवाइड आप बना ये रहा, ये तो, ये तो अलग है, इसके ऊपर होगा सर। हाँ इससे ऊपर होगा। ये रहा, पर इसमें से पूरे ऑप्शंस नहीं खुलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो इतनी डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें वो कमांड्स नहीं लिख सकता, वो आप उसके अंदर जाना ही पड़ेगा। इमेज इमेज डालता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेके फुल डाल दूंगा। और इंसर्ट कमांड में एक तो इंसर्ट हम ला सकते हैं कमांड से, और एक हम उस बॉक्स से भी ला सकते हैं। ठीक है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। नीचे चलो नीचे बैठे लाइन के बीच में आपको उसके नीचे ऑप्शन करें पिक्चर ओके कहें पिक्चर ओके कहें नीचे ऑप्शन जाना साइड होना पड़ेगा ऑप्शन से ही सारे ठीक ठीक है, अब इंसर्ट वाला लाना है। ये वाला, ये ओनली आई कमांड से आता है, ठीक है। अब मैंने वापस डेस आई कमांड ही लगाता हूँ, ब्लॉक का नाम जो भी था आ जाएगा। अभी इसमें ब्लॉक का नाम मेरे को लिखना पड़ेगा, अब तो उस टाइम तो क्या आ रहा था, आ नहीं रहा था। सर कमांड आता है जिसमें आप नहीं अभी हो रही है ना, ये नहीं ऑटोमेट नहीं स्क्रीन पे अपना ऑटोमेट यूज करे तो बहुत अच्छा होती है। जैसे आप कुछ भी जाए तो कैंसिल क्या बोलना अरे वो रेडियो वो चलता रहता है जो कमांड है, जो
वो वाले ऑप्शन इंस्टॉल कर दिया था। ठीक है अगर आप तो क्लिक करो, अब स्केल फैक्टर चेंज करना, अभी एक है मैं दो कर देता हूँ, और भाई स्केल फैक्टर में दो कर देता हूँ, ब्लॉक बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी देखते हैं तो उसके लेंथ के इसकी डायमेंशन देखेंगे, ये कितना हो गया, ये 2 इंच हो गया, 1 इंच था इसके, एक में बनाया था ये, एक 3 में बनाया था, और ये बनाया था मैंने 3 के अंदर, ये हो गया 6 में, एक 3 में बनाया था 2 6 में हो गया। चाहे तो भाई इसको चेंज करे, चाहे तो भाई वाई को चेंज कर, दोनों पर्टिकुलर चेंज कर सकता है, और इसको रोटेट में टिल्ड में रखना है तो इसको रोटेट भी कर। ठीक है तो ये कमांड, हाँ, ये आपको कमांड्स यूज करनी है सब चीजों में बताइए, है ना, इसके अकॉर्डिंग ड्राइंग तो आप बना सकते।